स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोवेलिन और आयनिक कंपाउंड्स। यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आयनिक कंपाउंड, तो जिसमें हमने तीन मेन फैक्टर्स देखे थे, आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोवेलिन और आयनिक कंपाउंड। इसमें टोटल छह प्रॉपर्टीज है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन डायरेक्शनल नेचर और आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम देखेंगे इस फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं? अगर हम नॉर्मली देखें तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में अगर हो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाएंगे, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में लैटिस फॉर्म में मेनली रहते हैं। आयनिक क्रिस्टल जो रहते हैं वो लैटिस फॉर्म क्रिएट करते हैं। अभी लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम यहां देख सकते हैं, 3D लैटिस स्ट्रक्चर है NaCl का। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिटली चार्ज आयन जो रहते हैं वो मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ सोडियम का पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन है, इन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड फॉर्म किया, और इसी तरीके से पूरा आस पास में अपोजिटली चार्ज आयन को कनेक्ट करके एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम देखें तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयन रहते हैं इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके कारण इन्हें इजीली ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी। अगर नॉर्मली देखें तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं फ्यूज्ड स्टेट में, और फ्यूज्ड स्टेट में मींस ये पोलार सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, वाटर में ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलार सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर ये पोलार सॉल्वेंट यानी वाटर में सॉल्युबल है तो इसका रीजन ये है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं आयन, वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉन्ड को या इस फोर्स को तोड़ देती है, जिसके कारण इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं पोलार सॉल्वेंट में, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन एनर्जी। तो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी हमें समझे कि जो आयनिक कंपाउंड्स रहती है इजीली सॉल्युबल होते हैं पोलार सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में, और नॉन पोलार सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये इनसॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्यूज्ड स्टेट में। तो हमने जाना कि आयनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्यूज स्टेट में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं आयन के अंदर आयन प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं, पर अगर सॉलिड स्टेट हो तो ये नहीं कर पाते क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर। अब नॉन डायरेक्शनल नेचर क्या है, इन आयनिक कंपाउंड ईच आयन इज सराउंडेड बाय सेवरल अपोजिटली चार्ज आयन, जैसे कि हम देख सकते हैं हर आयनिक कंपाउंड में हर आयन अपने पॉजिटिव अपोजिट चार्ज आयन से सराउंडेड है। जैसे कि यहां पे पॉजिटिव सोडियम है तो ये अपने अपोजिटली चार्ज आयन जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों साइड से क्लोरीन से सराउंडेड है। दैट्स व्हाई इनका जो मूवमेंट होता है करंट जब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को तो इनके जो आयंस का मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है, और इसी कारण ये नॉन डायरेक्शनल नेचर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आयनिक रिएक्शंस। इसका बोलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है आयनिक रिएक्शंस। अब आयनिक रिएक्शंस कैसे होती है देख लेते हैं हम कि नो केमिकल रिएक्शन ऑकर बिटवीन आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी जाना था नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये आयंस रहती है सॉलिड स्टेट में बहुत टाइटली पैक रहते हैं एक दूसरे से, और इस कारण ये मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट ये लिखा है दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट ओनली, मतलब अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड या फ्यूज स्टेट में है, सॉरी सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट में है, तभी इसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी।